लॉकडाउन में जरूरतमंद लोगों को खाना बांट रही हरमाड़ा की यह संस्था। अध्यक्ष महेंद्र चारण का कहना, किसी भी व्यक्ति को नहीं सोने देंगे भूखा। पूरी दुनिया में जहां एक और कोरोना वायरस का संकट गहराया हुआ है, इसी को लेकर राजस्थान सहित कई राज्यों में लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं अनेकों देशों में लोगों को स्वस्थ और खाने को लेकर सभी सरकारें परेशान है। इसी क्रम में राजधानी के हरमाड़ा में भी ऐसी स्थिति है। वहीं जनता रोजाना अपने खाने पीने की सुविधाओं को लेकर परेशान है। ऐसे में विश्वकर्मा क्षत्रिय व्यापार मंडल कोरोना के इस विपदा में गरीबों के साथ है और इस संस्था ने लोगों के लिए सुबह व शाम जगह जगह जाकर जरूरतमंद लोगों को खाना खिला रही है। जानकारी के अनुसार क्षत्रिय व्यापार मंडल के अध्यक्ष महेंद्र सिंह चारण ने बताया कि इस लॉकडाउन में मनुष्य से लेकर जानवर तक खाने के लिए तरस है। इसी को देखते हुए हमने जरूरतमंद लोगों के लिए रसोई का संचालन किया है और लोगों को घर जाकर खाना पहुंचा रहे हैं। इसी दौरान जानवरों को भी हम लोग चारा पानी डाल रहे हैं, जिससे जानवर भूखा नहीं मरे और हमारी संस्था जब तक लॉकडाउन चलेगा तब तक जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाएगी। इस मौके पर संस्था संरक्षक मनोहर सिंह राठौर, कोषाध्यक्ष भवर सिंह शेखावत, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय सिंह, सरवन सिंह शेखावत, पिंटू बना, विजेंद्र सिंह शेखावत, ओम सिंह चारण, पूर्व प्रचार मंत्री आनंद पाल सिंह चौहान, पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ व संगठन के सम्मानित सदस्य मौजूद रहे। वरिष्ठ समाज सेवी प्रेमचंद शर्मा व भूतपूर्व सैनिक योगेंद्र सिंह मंडावा आदि ने सहयोग किया।